हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ इंग्लिश मीडियम नाइन्थ की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि लास्ट क्लासेज में मैंने आपको एटॉमिक नंबर चल रहा था, एटॉमिक नंबर में मैंने ऑर्गन से आप लोगों को स्टार्ट किया था, ठीक है। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते करते वन एटॉमिक नंबर से 10 तक आप लोगों को लास्ट 2 डेज़ पहले आपको बता दिया था। फिर मैंने 11 से लेकर 18 तक एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताया था। सबसे पहले वहीं से ऑर्गन से ही स्टार्ट करते हैं। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पर 18 से ही कंटिन्यू करूँगा और आज मैक्सिमम एटॉमिक नंबर्स को हम रिकवर कर लेंगे। 18 एटॉमिक नंबर जो होता है वो ऑर्गन का होता है, जिसका सिंबल AR, कैपिटल में A, स्मॉल में R होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो होता है 2.8.8 होता है, यानी कि तीनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 2, 10 और 8, 18 ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका 2.8.8 होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम वही जो पहले बनाया था उसे ही कंसीडर करूँगा। सबसे पहले आप लोगों के जो न्यूक्लियस को लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के पास वाली शेल फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड शेल हो गई एंड थर्ड शेल। सबसे पहले न्यूक्लियस के पास वाली शेल को हम लोग n=1 रिप्रेजेंट करते हैं, n=2, देन n=3। n यहाँ पर शेल को रिप्रेजेंट करता है, 1, 2, 3। n=1 यानी कि सबसे पहली शेल होती है। और इन शेल का आज मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल है n=1, इसकी वैल्यू है, इसको K शेल के नाम से जाना जाता है, कैपिटल में K बोला जाता है इसे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं n=1, यानी कि इसे K शेल बोला जाता है। n=2 जो होता है वो आपके एल शेल हो गई। n=3 एम शेल हो गई। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, n=4 एन शेल। तो n=1 यानी कि के शेल, n=2 यानी कि एल शेल, n=3 यानी कि एम शेल, n=4 यानी कि एन शेल। इस तरीके से एन की वैल्यू है, यदि आगे बढ़ाते जाएं तो n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से n=5 और n=6 पर सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फिल कर सकते हैं। के शेल आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आए 1 नंबर में, तो पूछेगा कि n=1 शेल का नाम बताइए, ठीक है। तो आप बताइएगा के शेल, n=2 का एल शेल है। आपसे यदि क्वेश्चन उल्टा करके पूछे, घुमा करके पूछे कि एन शेल जो होती है, एन शेल जो कि 4th नंबर पे आती है, उसके लिए एन की वैल्यू बताएं, तो उसके लिए एन की वैल्यू जो होती है वह n=4 होती है। 18 के बाद दोबारा चलते हैं एटॉमिक नंबर पर, 18 के बाद हम लोग चलते हैं 19 पर। पोटेशियम, ये भी मैं लास्ट क्लासेस में आपको बता चुका था, 2.8.8.1 टोटल ऐड करेंगे, 19 होता है, एटॉमिक नंबर भी इसका 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है शेल की फॉर्म में, इनको ऐड करने पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरीका का फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होता है या ज़्यादा होता है तो वो गलत हो जाएगा। पोटेशियम के बाद आते हैं हम 20 पर, कैल्शियम। कैल्शियम का हो जाएगा 2.8.8.2। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने फिल किए जाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2n2। मैं पहले भी 2 बार आप लोगों को रिकॉल कर चुका हूँ, 2n2। n=1 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। n=2 इस फॉर्मूले में रखा जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए जाएंगे। n=3 रखा जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। n=2 यदि 4 रखेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। n=5 रखेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। n=6 रखेंगे तो 72 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे कि n=1 यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि भर चुके हैं, अब तक भरते आ रहे हैं। n=2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 इलेक्ट्रॉन सारे ही एलिमेंट्स में फिल कर चुके हैं। n=3 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन,
18 इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में देखिए, यहाँ तक तो हम लोग फिल कर चुके हैं, लेकिन आगे जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं 19 और 20, पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ पर मैंने कॉमा लगा करके जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसे नेक्स्ट शेल में पास कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी, सेल की जो इफिशियंसी है उसका इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो फोर्थ शेल है ये हो जाएगी फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। थर्ड शेल से ज़्यादा जो इफेक्टिव होती है फोर्थ शेल है, यानी कि इसकी एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो उसी शेल में ना रह करके नेक्स्ट शेल में पास हो जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। 20 के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 21। 21 पे लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्र, इसका सिंबल जो होता है वो SC होता है, कैपिटल में S, स्मॉल में C। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के लिए अब देखिए, स्कैंडियम, स्कैंडियम का हो गया आप लोगों के यहाँ पर 21 एटॉमिक नंबर, SC इसका जो एलिमेंट का सिंबल होता है, तो देखिए 2.8 टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 आपको फिल करने हैं, तो देखिए 2.8 यानी कि 10 हो गए, फिर आप 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दीजिए। 19 पर आइए, 2.8.1, 20 पर 2.8.8.2, अब 2.8, अब देखिए होना क्या चाहिए, 2.8.8.3 टोटल ऐड करेंगे हम लोग, 8 और 2 10 होता है, 10 और 8 18 और 3 21, हालांकि ये सही है, बट होगा क्या 21 वाले केस में, स्कैंडियम वाले केस में 19 जो एटॉमिक नंबर था पोटेशियम का, उसमें तो आपने 2881 फिल कर दिया, 20 में 2882, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला होता है फोर्थ शेल में, वो फोर्थ शेल में नहीं जाएगा, वो आपको यहाँ पर स्कैंडियम में, ध्यान रखना मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, स्कैंडियम में क्या होगा कि फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, जैसे 20 के बाद 8.2 लिखा हुआ है 20 पर, तो 8.3 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, जो 3 यानी कि फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो फोर्थ शेल में ना जा करके वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो गए, तो देखिएगा होगा क्या आगे की तरफ, 2.8, ठीक है, मैं अगेन लिख देता हूँ 2.8, कॉमा लगा करके यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, अब तीनों को ऐड कीजिए आप लोग, तो 8 और 2 10 और 2 12 हो गए। अब 21 आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने टोटल, जिसमें से आप लोग 12 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं, ठीक है, अब 21 में से 12 तो आप लोगों ने फिल कर दिया, कितने रिमेनिंग रहे 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा स्कैंडियम वाले केस में, वो आप लोगों के n=3 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा एनर्जी लेवल के कारण, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होती है वो फोर्थ शेल की कम होकर के थर्ड शेल की एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ने के कारण आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो नेक्स्ट शेल में नहीं जा करके लास्ट शेल में ही आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2.8.9.2, ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 2 21। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पे चलते हैं 22 पर, टाइटेनियम, TITANIUM टाइटेनियम होता है, इसका जो एलिमेंट होता है ये, इसका सिंबल है TI, कैपिटल में T, स्मॉल में I। टाइटेनियम जो कि 22 नंबर पे आता है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, 2.8, ठीक है, यानी कि 22 में से आप लोगों ने 2.8 यानी कि टोटल ऐड करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर दिए, कितने रिमेनिंग रहे 22 में से 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद यहाँ पर जो बचते हैं वो बचते हैं 12 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहते हैं। अब 12 इलेक्ट्रॉन को और आप लोगों को आगे फिल करना है, तो देखिए अगेन वही कॉन्सेप्ट, n=3 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा, और जो थर्ड शेल है यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल है, उसकी थर्ड शेल का एनर्जी लेवल फोर्थ शेल से ज़्यादा रहेगा, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, वो चेंजेस आगे जा कर के 24 पर आने वाले हैं,
तो 21, 22 और 23 तीनों में आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। 20 तक तो हर कोई स्टूडेंट मैक्सिमम 90% स्टूडेंट कर लेंगे, ये कॉमन सी बात है, लेकिन आगे जा करके ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्कैंडियम पे हो गया 2.8.9.2, 22 पर टाइटेनियम 2.8.10.2, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने 10 लिखा है, तीनों को ऐड, ये चारों जो शेल के मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं इनको ऐड करते हैं, तो 8 और 2 10 और 10 20 20 और 2 22, क्लियर है। इक्वल होना चाहिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। आगे चलते हैं, 22 के बाद बात करते हैं 23 की। वैनेडियम 23 पर रखा गया है, VANADIUM, वैनेडियम को 23 पर रखा गया है। इसका जो सिंबल होता है, इस एलिमेंट का सिंबल होता है कैपिटल में V होता है। यहां पर देखिए टोटल जो एटॉमिक नंबर है 23 है, 23 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को फिल करने हैं, तो सीधी सी बात है आपको दो शेल तो आपको बिल्कुल नहीं देखनी है, यानी कि आंख बंद करके भी आप लोग लिख सकते हैं 2.8, इसमें कोई गलत वाली कोई बात नहीं है। 2.8 यानी कि 10 हो जाता है, 23 में से 10 इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल कर चुके हैं, तो कितना रिमेनिंग रहता है, 13 इलेक्ट्रॉन्स अभी आप लोगों के रह गए हैं। 13 इलेक्ट्रॉन्स को आगे फिल करना है, तो स्कैंडियम पे मैं लेके चलता हूँ अगेन, 28 2881 2882 2892 102, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वही थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि 11.2, चारों को ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10 10 और 11 कितना होता है 21, और 2 ऐड करेंगे 23, तो जितना एटॉमिक नंबर आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर उतना ही एटॉमिक, जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उतना ही एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। 23 तक कंप्लीट होता है। आगे की तरफ हम लोग बात करें 24 क्रोमियम, CR कैपिटल में सी स्मॉल में आर इसका सिंबल होता है। 24 पर मैं आपको डबल स्टार यहां पर लगा रहा हूं, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, एक तो है हाफ फील्ड, एक है फुल फील्ड, ठीक है। फील्ड के नाम से उन्हें जाना जाता है, और यहां पर दो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए, एक तो 24 क्रोमियम पे उन्होंने अपना जो लॉ है वो लागू किया है, और 29 जो कॉपर आएगा, 29 पर आगे मैं लेके चलूँगा, कॉपर आएगा वहाँ पर भी उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लागू किया है। यानी कि 23 के बाद 24 क्रोमियम आता है, जिसका जो सिंबल है वो CR है। 24 पे मैंने डबल स्टार लगाए, इसको ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होती है अक्सर। स्टूडेंट क्या करते हैं, 21 पर 2892 टाइटेनियम, 2810 2 वैनेडियम, 2811 2, इसके बाद यदि हम लोग चलें तो सीधी सी बात है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो लिखेंगे, अगर उन्हें पता नहीं होगा कि साइंटिस्ट के बारे में या उनके कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट करेंगे 12.2, यही करेंगे 2812 2, इनको ऐड करेंगे तो वही 8 और 2 10 और 12, 22 और 2 24, आता तो ऐड अगर चारों शेल के इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग ऐड करें तो वही 24 आएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। बट आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए जो एटॉमिक नंबर के इक्वल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन जो आप लोग भरते हैं शेल में कि वो उनका टोटल एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो होना तो चाहिए, इक्वल इक्वल से मतलब ये नहीं है कि आप लोग 28 की जगह 29 कर दें, जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 23 है तो आपने कर दिया यहाँ पर 2812.1, तो उसको ऐड करेंगे तो भी 23 आएगा। बात ऐड करने के बाद एटॉमिक नंबर के इक्वल की नहीं है, बात है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली भरे जा सकते हैं। इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है और शेल के बारे में आप लोगों को बताया है। थर्ड शेल पर हम लोग चलते हैं, थर्ड शेल में टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन पर अभी 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल की चल रही है, फोर्थ शेल में इसलिए नहीं गए क्योंकि एनर्जी लेवल जब तक पूरा नहीं होगा थर्ड शेल का, तब तक आप जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में आप लोग सेंड नहीं कर सकते। तो 24 पर चलते हैं, क्रोमियम 2.8.12.2 लिखा है, जो कि रॉन्ग है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को डबल स्टार लगाया है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H
डॉट एफ डॉट हाफ फिल्ड, ठीक है। फिल्डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। हाफ फिल्ड, फील्ड का मतलब कोई क्षेत्र या एरिया हो सकता है, हाफ का मतलब आधा, यानी कि आपको किसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं वो आधे भरने हैं। हाफ से यहाँ समझ जाना, एच का मतलब हाफ है, फिल एफ का मतलब फील्ड है, यानी कि हाफ फील्ड, आपको पूरा फील्ड ना भर करके हाफ ही उसे फिल करना होगा। तो 2.8, अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा आप लोग, 13.1 कैसे आया, मैं अगेन इसे रफ करता हूँ, आप लोगों को बताता हूं। जस्ट अभी 1 मिनट पहले मैंने यहां पर लिखा था 12.2, इनको ऐड करते हैं 24। अब देखिएगा यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, आपको हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट कैसे लागू होगा, यहां पर 2 का हाफ कितना होता है 1, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो फोर्थ शेल का है उसका एनर्जी लेवल तो वैसे ही डाउन है, तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इन दो इलेक्ट्रॉन को कर दिया हाफ, जैसा कि हम लोग भी यहाँ पर कर देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को मैं कर देता हूँ हाफ, मैंने यहाँ पर कर दिया 1। अब कितना रिमेनिंग रहा, एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरीके से पता करना है तो ऐड कर लीजिए 8 और 2 10 और 12 कितना होता है 22 और 1 23, यानी कि अभी 23 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैंने 2 का कर दिया 1, यानी कि हाफ कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा आपके थर्ड वाली शेल में। आया समझ में? तो यानी कि 2.8.13.1, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और 13 हो जाएगा 23, 23 और 1 जो होगा वो आप लोगों के कितना हो गया 24। तो ये वाला जो क्रोमियम है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 10th की एग्जाम में भी आ चुका है बोर्ड में इस पे क्वेश्चन। और तो आप लोग इन एडवांस इसको ध्यान रखें कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड के कारण 2.8.13.1 हो जाता है। 24 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 25 पर। मैग्नीज इस पर रखा गया है, ठीक है, मैग्नीज 25 पे आता है। मैग्नीज सिंबल होता है एम एन, कैपिटल में एम स्मॉल में एन होता है, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 25 है, तो 25 तो फिल करने ही होंगे, 2.8, क्लियर है। टोटल 10 हो जाता है, 25 में से 10 आप लोग फिल कर चुके हैं, तो कितना रह गया है 15, 15 में से मैं यहाँ पर करूँगा 13.2, क्लियर है। फिर आप लोग पूछेंगे सर कि आपने अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया था कि ये हाफ फील्ड के कारण यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और आपने जो एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेल है 4, तो यानी कि फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 की जगह 1 रह गया, और एक इलेक्ट्रॉन आपने लास्ट शेल में ऐड कर दिया, यानी कि 12 होना चाहिए था और यहाँ पर 13 कर दिया, इज दैट क्लियर। ये सही है 2.8.13.1, लेकिन 25 की बात करें मैग्नीज की, तो यहां पर 2.8.13.2, यहां पर क्या होगा, जो फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 2, यानी कि हाफ फील्ड, मैंने एक चीज बोली थी कि हाफ फील्ड आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो लगाया वो केवल 24 पर ही लागू होगा, यानी कि हाफ फील्ड मैंने केवल 24 पर लिखा है, ना कि 25 पर लिखा है और ना ही 23 पर लिखा है, मैंने केवल ये जो लिखा है 24 पर लिखा है। तो हाफ फील्ड जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्रोमियम पर लगेगा, और इसके कारण दो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और एक इलेक्ट्रॉन 13 में ऐड होकर के 14 हो गया, वो 12 में ऐड होकर के 13 हो गया, तो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 24 हो गया। 25 पे मैंने क्या किया, वो हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट केवल 24 पर था, 25 पर वो लागू नहीं होगा, इसलिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले फोर्थ शेल में फिल किया है। तो आप लोग ऐड कीजिए 8 और 2 10, 10 और 13 कितना हो जाएगा 23 और 2 25। नेक्स्ट चलते हैं 26 पर, आयरन। सिंबल जो होता है वो होता है एफ ई, कैपिटल में एफ स्मॉल में ई, इसका सिंबल होता है, ठीक है। आयरन लोहा अक्सर इसे जनरल वे में जाना जाता है आयरन, ठीक है। इसका लैटिन नेम होता है फेरम, जो आगे के कौन आगे जो टॉपिक आएंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर चलते हैं 2881, 2882, 9210, 11213, 132। अब आ जाइए, अब जो लास्ट शेल थी जिसमें दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 26 है, एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 25 की जगह 26 आ गया है,
तो वही 2.8 आप लोग लिख दीजिए, 8 और 2 10 हो गए, 26 में से 10 माइनस कर दीजिए, 16 बचते हैं। 16 में यहाँ पर आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। 16 में से कितना 14 आप लोग फिल कर चुके हैं, क्योंकि थर्ड शेल पर हम दोबारा लेके चलता हूँ मैं उसी कॉन्सेप्ट पर, n=3। जब तक ये शेल पूरी भरेगी नहीं 18 इलेक्ट्रॉन तक, तब तक आप लोगों को जो नेक्स्ट शेल है फोर्थ शेल, उससे किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी है। आप लोगों को पहले थर्ड शेल पूरी फिल करनी होगी, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। 2.8.14.2 ऐड कर लीजिए इनको, 8 और 2 10, 10 और 14 कितना होता है 24 और 2 26। तो मैग्नीज पर था 13, क्रोमियम पर था 13.1, मैग्नीज पर 13.2, हाफ फील्ड के कारण हुआ था वहां पर ऐसा। यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी रूल नहीं लगेगा। 26 यानी कि आयरन 2.8.14.2। आगे चलते हैं, 27 की बात करूं मैं, कोबाल्ट यहां पर 27 पर रखा गया है, जिसका सिंबल होता है CO, कैपिटल में C स्मॉल में O, 2.8.14.2, ठीक है। 27 में से मैं यहां पर 2.8 तो फिल कर ही देता हूं, ये तो आप लोगों को आंख बंद करके भी आप लोग कर सकते हैं कि ये दो शेल्स तो फिक्स है 2.8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स 27 में से 10 आप लोग फिल कर चुके हैं, कितना रिमेनिंग रह गया 17। 17 एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि लास्ट जो एलिमेंट था 26 और अब आया 27, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। तो 2.8, जब तक थर्ड शेल आप लोग फिल नहीं करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 18, यानी कि आप लोगों को 18 तक कंप्लीट करना होगा। 2.8.15.2 ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 10 और 15 25 और 2 27, ठीक है। आगे चलते हैं, निकेल 28 पर रखा गया है, ये भी एक मेटल होती है निकेल, 28 पर इसको रखा गया है, इसका सिंबल होता है N स्मॉल में I, ठीक है, कैपिटल में N स्मॉल में I इसका सिंबल होता है। 27 जो कोबाल्ट का था, और अब बात करें 28 की, यानी कि निकेल की, एक इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ चुका है। तो आप लोगों को वही थर्ड शेल जब तक कंप्लीट नहीं होगी 18 इलेक्ट्रॉन तक, आप लोगों को फोर्थ शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करना है। तो 2.8.16.2, 2.8.16.2 यानी कि ऐड करेंगे तो यानी कि 28 हो जाता है, और आगे 29 आता है और 30, ठीक है। 29 पर भी आप लोगों को डबल स्टार लगाना है, ठीक है, और ध्यान रखना है कॉपर इस पर रखा गया है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर फुल फिल्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लगेगा, यहाँ पर HF था, यहाँ पर FF लगेगा, फुल फिल्ड। यहाँ पर 17.2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 18.1 हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। आज की क्लास में इतना ही, और 18 से लेकर के 28 तक के जो एलिमेंट्स होंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन अच्छे से याद कर लेना आप लोग। थैंक यू।